यू कैन सी हमारी सिस्टर यहाँ पे दी, क्या बना रहे हो आप? फुलके बना रहे हैं आप? फुलके के साथ क्या बना रहे हो शाम के वक्त में? चाय। नमकीन चाय? मीठी चाय नहीं बनाते हैं आप? सुबह बनाते हो आप। और खाने में क्या आइटम्स आप बनाते हैं दिन में, जैसे लंच के लिए या डिनर के लिए क्या? दाल। तो ये देखिए यहाँ पे इनका डेरा लगा है और यहाँ पे दूध लिया जा रहा है जी। तो आप ही दूध लेते हैं? आप ही लेते हैं दूध। आपका काम यही है दूध लेने का? मेरा काम दूध लेना, सिर्फ दूध, सिर्फ दूध लेना, सिर्फ दूध लेना। अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये पहला वीडियो है नोमैडिक लाइफस्टाइल बकरवालों का 2022 का। एक कंप्लीट सीरीज आने वाली है, वो आप इंशाल्लाह जून या जुलाई में देखेंगे। पर ये वाला वीडियो, आपकी बहुत सारी फरमाइश आ रही थी कि जब ये इन ट्रांजिट में रहते हैं इनका लाइफस्टाइल दिखाएगा। आपने जो वीडियोज इससे पहले देखे हैं वो आपने टिपिकली देखे इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिरगा है, क्रिकेट है, ऐसे एपिसोड्स देखे। पर दिस इज़ टिपिकल इन ट्रांजिट वीडियो ऑफ बकरवाल्स। इस वक्त हम वादी मड़वा की एक दिलकश वादी में बैठे हैं और ये इन ट्रांजिट में है, सफ़र कर रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। आप देख भी सकते हैं खुले ओपन एरिया में हमें। तो मैंने सोचा आज जो कि आपकी फरमाइश थी कि ये सफ़र में कैसे रहते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इन दिस वीडियो वी गोना एक्सप्लोर दैट। सो गाइस, इफ़ यू आर रेडी, लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी। लेट्स गेट दिस ब्यूटीफुल स्टार्ट। एक सफ़र में एक आपके टोले के साथ कितने बंदे साथ होते हैं? अब तो आपने एक फैमिली में चार पांच बंदे होते हैं जो फैमिली के होते हैं जी। तो मर्द कौन सी जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, औरतें कौन सी जिम्मेवारियां पूरी करती हैं? खादी खाना बनाना है और घोड़े को पास सामान बोझ डालना है, ठीक। बाकी जो सामान काम है वो सब मर्दों का ही है। बिल्कुल। भेड़ बकरी के साथ चलना है, घोड़े लाना है, भेड़ बकरी को देखना है, उनको देखभाल करना है, वो सब मर्द का ही काम है। तो वापसी आपकी कब होती है? वापसी हमारी होती है बादरा, मतलब सितंबर के बाद। हाँ, सितंबर के बाद। तो इसी तरह वो सिलसिला भी शुरू हो जाता है आपकी। आप किस कास्ट से रिलेट करते हैं बकरवालों में, जैसे फामड़ा है, आप कौन से? बज़ाहिर आप देख भी सकते हैं सोने के लिए इनकी ब्लैंकेट्स है और इनको ये पट्टू कहते हैं। आप देखिए बहुत मुख्तलिफ होते हैं हमारे ब्लैंकेट से। और खान साहब, खान साहब, जो ये बना है ना आपके ब्लैंकेट से, किससे बने होते हैं पट्टू? किससे? ऊन। भेड़ की ऊन होती है। भेड़ की ऊन से? ऊन से। तो ये भेड़ की ऊन से बनाती है। अच्छा, ठीक है। तो ये बड़ा मुख्तलिफ इनका होता है और पहचाना भी जाता है। और जैसे ये टिपिकल मार्केट में आपको मिलेगा, ये सिर्फ आपको बकरवालों के पास मिलेगा जिसको ये पट्टू कहते हैं। और सोलर का इंतजाम देखिए, इन ट्रांजिट रहते हैं, रात के वक्त आपको ये चार्ज भी हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो इन टेम्परेरी चीज़ है पर ज़रूरत का इस्तेमाल ऑफकोर्स होता है। यहाँ से लोन साहब कुछ काम कार्रवाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कार्रवाई, हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इल्मियत आज हो गई। यहाँ से एक और डेरा है, इनकी भी आप देख सकते हैं, दो डेरे हैं ब्लैंकेट से, यहाँ पर भी आप देखेंगे। और इन ट्रांजिट जो इनकी थोड़ी सी चीज़ें बनाने के लिए बर्तन हैं, आप देख सकते हैं यूटेंसिल्स। तो ज़रूरत अशिया की ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ें मैसर हैं, खुली हुई हैं, बाकी सब क्लोज्ड अप है। तो इनको रास्ते को चलने का एक सैंक्शन होती है गवर्नमेंट की तरफ से जी। ये हम इनको चेक करते हैं। अच्छा, बैग पर लिखते हैं माटू, बैग पर, बैग पर लिखते हैं जहाँ उनका सर्दियों में उधर जाते हैं, गर्मियों में उधर जाते हैं। सी हमारी सिस्टर यहाँ पे दी, क्या बना रहे हो आप? फुलके बना रहे हैं आप? फुलके के साथ क्या बना रहे हो शाम के वक्त में? चाय। नमकीन चाय? मीठी चाय नहीं बनाते हैं आप? सुबह बनाते हो आप। और खाने में क्या आइटम्स आप बनाते हैं दिन में, जैसे लंच के लिए या डिनर के लिए क्या? दाल। मीट नहीं बनाते हो? तो जो लंगर का काम है किचन का आप ही संभालते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं करता है? और आप ही, माशाल्लाह। तो खुदा ना खास्ता आप जैसे 2 महीने का आपका लंबा सफर है, तो रास्ते में अगर बीमार आप हुए तो कैसे अपने आपको आप क्योर करते हैं? मेडिसिन साथ होती है आपको? मेडिसिन साथ में होती है, वरना अगर मेडिसिन नहीं होगी फिर डॉक्टर के पास लेना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। खान साहब, तो जो आपके पीछे है ना ये क्या चीज़ है? ये छठ है। छठ, छठ क्या होता है? छठ इसमें बहुत खाने पीने का सामान डालते हैं। तो ये फिर आप घोड़ों पर लाते हैं? तो ये किस कपड़े का बना है?
ये बीच में जट का होता है। अच्छा, तो जो आप ये डिजाइन देख रहे हैं ये तो ये हमारी बहन ने बनाया, ये लड़कियां बनाती हैं। तो ये सिर्फ बकरवालों के पास ये डिजाइन होते हैं? बिल्कुल, ये नारा भी उतना कीमती बनाते हैं कोई कहने की बात। यहाँ पर हमारे साथ लोन साहब हैं, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में हैं और अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे थे। तो ये भी आप भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनकी जानते होंगे। अच्छा, आपका सफर कैसा रहता है इनके साथ? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे लोग हैं ये? मेरा तो तजुर्बा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपका कैसा है? बहुत अच्छा। तो जैसे अभी आप रास्ते में सफर कर रहे हैं ना, तो ये भेड़ बकरियां आपकी हैं? ये हमारी भेड़ बकरियां साहब। तो कैसे मतलब इनको आप हिफाजत में रखते हैं और क्या तरीके कार से इनको रखते हो? इनको हम पूरे इनके साथ चलते हैं दिन में पूरा। दो बंदे हैं जो इनके साथ चलते हैं। अच्छा, दूसरा भाई भी आ गया? हम दो बंदे चलते हैं इनके साथ। ठीक, जब शाम को जमा करते हैं इनको फिर इनकी संभाल करते हैं। ठीक, तो ये आपको पूरा कैसे याद रहता है? ये हमारा ही है, पता होता ना पूरा पूरा अपनी माल की। अभी हम चलते हैं माल कर लगे, हमको ये पता नहीं होगा हम कैसे चलेंगे माल के साथ। जबरदस्त, कैसी जगह आप रास्ते में प्रेफर करते हैं रुकने के लिए? छोटी सी जगह देखते हैं हम, जहाँ ठहरने की जगह होती है इनको वहीं रोकते हैं इनको। पानी भी जरूर देखते हैं आप? पानी की जरूरत होती है, जहाँ घास खाने के लिए वहीं रोकते हैं, रास्ते में रोकते हैं इनको। और जब बारिश होती है ना, बारिश तो कैसे अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हैं? तिरपाल लगाते हैं, टेंट होते हैं हमारे पास। ठीक, हम तिरपाल लगाते हैं, तिरपाल लगाते हैं हम। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे इनका डेरा लगा है और यहाँ पे दूध लिया जा रहा है जी। तो आप ही दूध लेते हैं? आप ही लेते हैं दूध, आपका काम यही है दूध लेने का? मेरा काम दूध लेना, सिर्फ दूध, सिर्फ दूध लेना, सिर्फ दूध लेना है। लुक व्हाट आई फाउंड फॉर यू गाइस, दिस ब्यूटीफुल लिटिल लिटिल क्यूटी। ओह, ये मैं कितने खूबसूरत है, इनको थोड़ा सा देखिए ये चीज़ें कहाँ आपको मिलती हैं जिंदगी में। ये देखिए माय फ्रेंड वाजिद इज विद मी। वाजिद कैसा मज़ा आ रहा है आपको? आप तो बकर वालों के साथ ही ज़्यादा रहते हैं ना, मज़ा आता है आपको? ये देखिए क्या पुरसकून माहौल हमें मिल रहा है यहाँ पे। वाजिद भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। वो तो ये मेरा पहला वीडियो था इन ट्रांजिट बकरवालों के साथ। क्या चीज़ ये ट्रांजिट में इनकी इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें मैसर होती हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियोज़ इससे पहले कबल शूट किए थे वो टिपिकल इनका सेटअप था, हट था। तो आज ये बिल्कुल सफ़र में है, ठीक है। तो इससे पहले मुझे एक कमेंट याद आया है मेरे फेसबुक पे, किसी ने किया था कि आप लोग कैसे चाय पीते हैं इनके पास, इतने मेहमान नवाज है ना। देखिए इस वक्त भी इन्होंने ऑफर की चाय, तो हम इस गरज से तो नहीं आए थे चाय पीने की गरज से, पर अगर सुन्नत है कोई आपको कोई चीज़ देता है तो उसको दो हाथों से कबूल करना चाहिए। तो यही इनकी मेहमान नवाजी है, इसीलिए मुझे ये लोग बहुत पसंद भी हैं, क्योंकि बहुत मेहमान नवाज होते हैं। इवन दो सफ़र में हैं, आप देखिए इनके लेडीज़ यहाँ से काम कर रहे हैं, पर स्टिल दे आर ऑफरिंग यू अ कप ऑफ टी, दैट स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो बकरवाल लोग बहुत मशहूर होते हैं। क्या खोल रहे हैं आप, अनपैक क्या कर रहे हैं आप? घी आपका? अच्छा, रास्ते में भी आप इस्तेमाल करते हैं? ओके, तो ये आप ये चीज़ें बिल्कुल बाहर रखते हैं जो आपको रोज़मर्रा लगती हैं? दिखाइए थोड़ा हमें भी। वाह, सो टिपिकल देसी घी है यहाँ बकर वालों का। माशाल्लाह क्या स्मेल आ रही है, ये लीजिए। वाह, आया आपको का जो सफ़र होता है ना, कितने महीने का होता है?
ये जो हमारा सफर है 2 महीने का चल रहा है। 2 महीने का। कहाँ से आपने सफर शुरू किया है? हमने लखनपुर से शुरू किया। लखनपुर जम्मू? लखनपुर जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ठीक, तो मड़वा की तरफ अभी आप? मड़वा से अब हमको जाना चिटापानी। चिटापानी कितने महीनों का सफर है ये? ये 1.5-2 महीने का है सफर। जैसे मैं देख भी रहा हूँ हमारी बहन यहाँ पे खाना बना रही है ना। हाँ, खाना तो आप सफर में इस महीनों में रहते हैं। हाँ, तो क्या क्या खाते हैं आप? कौन कौन सी मतलब आप सफर में जल्दी कोशिश करते हैं बनाने की? जल्दी उठते हैं हम, 4 बजे उठ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में ठीक पहले तो लिप्टन चाय पीते हैं जी, नमकीन चाय बनाते हैं ठीक, उसके साथ रोटी बनाते हैं जी, फिर दिन का खाना बनाते हैं जी, सुबह ही बनाते हैं वो भी। सुबह का खाना बना के रखते हैं, 1 बजे हम रुकते हैं वहाँ खाना खा के फिर चलते हैं वहाँ से। दिन में कितने घंटे का सफर आपका रहता है? दिन में कभी तो कभार सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, कभी कभार 1-2 घंटे करते हैं, कभी कभार 3-4 घंटे करते हैं। साहब तो सफर में जो आपको बचाने के लिए कौन सी चीजें रखते हैं आप? हम गुआड़ी रखते हैं, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी रखते हैं और छोटी भी रखते हैं, ये वाली छोटी रखते हैं। और कोई चीज और क्या होता है? और भी रखते हैं, छोटा मोटा और भी रखते हैं सामान, डंडे शंडे रखते हैं, द्राट भी रखते हैं। द्राट क्या हुआ? द्राठा कहते हैं उसे आप। तो कभी अगर कोई चोर चकेरा आता है ना तो किस तरीके से आपसे टैकल करते हैं आप? करते हैं फिर डंडे से लेते हैं और क्या चाहिए। तो आप जब सफर में चलते हैं बहुत सारे डेरे नजदीक में चलते हैं? 2-3 डेरे नजदीक होते हैं कि आपस में ये मुशावरत के साथ चले। सो गाइज ये था आज का वीडियो जो कि हम बकरवालों की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा कि इन ट्रांज़िट कैसे रहते हैं तो हमने जानने की कोशिश की कि क्या क्या आइटम्स ये साथ रखते हैं, क्या ये चीज़ें हैं जो इनको इस्तेमाल लगती हैं। आप देखिए पूरा एक दिलकश नज़ारा है। और इस जगह के बारे में आपको मैं बताते चलूँ, जगह का नाम वादी मड़वा है। आप देखिए इफ़ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप इन समर किसी ऑफ रोड जगह पे, एक अनएक्सप्लोर जगह पे, डू एक्सप्लोर वादी मड़वा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आज का वीडियो इतना ही था, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश कर रहे थे बकरवालों से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई और वीडियो पे आप देखना चाहते हैं आपकी फरमाइश नोमेडिक लाइफस्टाइल पर कमेंट्स में बताइए। आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। सो दीज वंडरफुल पीपल आर हियर विद मी सीइंग ऑफ यू गाइस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट प्लेस एंड विद अ डिफरेंट वीडियो एज वी से इन कश्मीरी, बियो खुदाई सवाल।